गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया था अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और जितने भी इसमें प्रतिरोधक तक हम इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति, पावर वोल्टेज रेटिंग, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का खर्च, विद्युत धारा के प्रभाव और जूल का तापन नियम। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है विद्युत शक्ति। देखो विद्युत शक्ति, शक्ति क्या होती है, पहले पढ़ चुके हैं हम। शक्ति होता है कार्य करने की दर। अब जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा खर्च होगी। जब भी विद्युत धारा मतलब क्या, उसमें विद्युत ऊर्जा होगी, और विद्युत जब भी कहीं ऊर्जा खर्च होती है तो समझो वहां कार्य होता है। तो शक्ति क्या है, किया गया कार्य, मतलब कोई वस्तु कितने समय में कितना कार्य करेगी। अगर वो अधिक कार्य करेगी तो उसकी शक्ति व उसकी क्षमता ज्यादा है, अगर वो कम कार्य करती है तो उसकी क्षमता कम होती है। तो शक्ति का मतलब हो गया कार्य करने की दर, मतलब समय का कार्य का समय के साथ होना। तो किया गया कार्य बटे दिया गया समय, उसको बोलते हैं शक्ति। पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, या तो हम इसको काम के रूप में निकाल सकते हैं, मतलब किया गया कार्य, अगर कार्य होता है तो ऊर्जा खर्च होती है, तो हम शक्ति को ऊर्जा के रिलेशन में भी निकाल सकते हैं, मतलब ऊर्जा खर्च करने की दर को भी शक्ति ही कहा जाएगा। क्यों, जैसे जैसे ऊर्जा खर्च होती है तो कार्य होगा, तो कार्य होगा टाइम के साथ, मतलब कार्य करने की दर भी शक्ति ही है और ऊर्जा को खर्च करने की दर भी शक्ति ही होती है। तो मैं ऊपर अगर ये लिखता कि ऊर्जा के खर्च करने की दर, मतलब ऊर्जा का खर्च बटे समय, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी शक्ति ही बोला जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, किया गया कार्य बटे समय, W बटे T। W क्या होगा, किया गया कार्य, और T क्या है, समय। अब हमें पता है P, शक्ति को हम P से दिखाएंगे, पावर। W इसका मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, और T का मात्रक मतलब समय का मात्रक सेकंड। तो पावर शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकंड। लेकिन इसका दूसरा मात्रक भी होता है जिसको हम बोलते हैं भाई वाट, ठीक है। अगर मैं P बराबर W बटे, ये सूत्र है, और अगर मैं P का मान 1 वाट लाना चाहता हूं, मतलब P का मान, शक्ति का मान 1 वाट कब आएगा, या ये कह लो कि 1 वाट की परिभाषा अगर हम देना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो P का मान 1 कब आएगा, जब W का मान भी 1 है, मतलब W 1 आ जाए और समय भी 1 सेकंड हो जाए, तो 1 कटेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 वाट, 1 वाट शक्ति कब आई, जब किया गया कार्य 1 जूल है, और कितने समय में, समय कितना, 1 सेकंड। तो हम क्या कहेंगे, अगर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितनी है, उसकी शक्ति होगी 1 वाट, ठीक है भाई, बात याद रखिए। अब वाट जो होती है, वाट ये छोटा मात्रक होता है शक्ति का, एक बड़ा मात्रक होता है उसको बोला जाता है किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। 1 किलोवाट को शॉर्ट में सीधा किलोवाट भी लिख दिया जाएगा। तो किलोवाट क्या है, शक्ति का बड़ा मात्रक है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम विद्युत शक्ति के कुछ सूत्र निकालते हैं। देखो हमारे पास एक तो ये सूत्र आ गया किसका, विद्युत शक्ति का, P बराबर W बटे T। लेकिन हमें पता है क्या कि विभवांतर जो होता है, V बराबर है, वो होता है वर्क डन बटे चार्ज, मतलब किया गया कार्य बटे चार्ज। ये हमने पढ़ा था कि विभवांतर जो होता है वो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जो कार्य होता है उसको बोलते हैं। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं भाई, V बराबर है W बटे क्यू। अब W का मान यहां से निकाले तो W बराबर है V इंटू क्यू, ये हो गया। अब हमें ये भी पता है कि I मतलब विद्युत धारा क्या होती है, क्यू बटे T, ये होता है। तो क्यू का मान कितना आ गया यहां से, I इंटू T। तो इस क्यू का मान हम इस पे रखेंगे, W बराबर है V I T, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रख दो, मतलब P बराबर है W का मान रख दिया V I T बटे T, T से T का
V into I, तो P मतलब शक्ति बराबर है V into I, ये एक और सूत्र आ गया किसका, विद्युत शक्ति का। अब ओम्स के लॉ में हमें पता है, ओम्स के लॉ में V is equal to IR होता है, होता ना V is equal to IR, तो V का मान इस सूत्र में रखना, P बराबर है V की जगह IR, I into IR, ये लिख दिया, तो I square R बराबर P, ये एक और मात्रक आ गया किसका, विद्युत शक्ति का मात्रक आ गया, ये भी। उसके बाद यहां से I का मात्रक निकालो, देखो यहां I का इसी सूत्र से I निकाल लो, I बराबर है V बटे R, अब I का मान दो इस सूत्र में, P बराबर है V इंटू आई था ना, तो ये I का मान इसमें रखो, P बराबर है V इंटू V बटे R, तो क्या आ जाएगा V स्क्वायर बटे R, ये आ गया पावर। तो पावर के तीन सूत्र, तीन चार सूत्र हमारे पास, देखो एक तो पावर का ये सूत्र है, पावर का एक ये सूत्र है, पावर का एक ये सूत्र है, एक ये पावर का सूत्र है, ये सारे सूत्र आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अब यहां से देखो, इससे क्या पता चलता है कि किसी भी वस्तु की शक्ति बढ़ेगी कब, जब उसका विभवांतर बढ़ जाएगा, मतलब विद्युत धारा का विभवांतर अगर बढ़ जाता है तो उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा कार्य करती है। और नीचे R, R के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर किसी चालक का प्रतिरोध अधिक है तो उसकी शक्ति समझ लो कम है, ये बात याद रखना। यहां से देखो P का संबंध करंट के साथ है, वो भी स्क्वायर में सीधा समानुपाती है, तो ये देखो I स्क्वायर मतलब क्या है, यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर विद्युत धारा बढ़ती है दोगुनी हो जाएगी, तो पावर क्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी चार गुना, क्योंकि I स्क्वायर मतलब I से स्क्वायर में संबंध है किसका, शक्ति का। तो ये सारे सूत्र हैं किसके हैं, ये विद्युत शक्ति के सूत्र हैं भाई, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं किसको, पावर वोल्टेज रेटिंग, पावर वोल्टेज रेटिंग। देखो अभी मैंने बताया P जो होता है, P वो होता है पावर बराबर है W बटे T, अगर हम इसको ले ले जूल में कि कार्य जूल में है और T है सेकंड में, तो किसी वस्तु की पावर एक वाट मैंने अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, या सीधा मैं ये कह दूं कि अगर कोई वस्तु एक जूल ऊर्जा एक सेकंड में खर्च करती है, एक सेकंड में खर्च करती है, तो उसकी क्षमता, उसकी शक्ति कितनी है, एक वाट, ठीक है भाई। मतलब अगर वो एक जूल ऊर्जा एक सेकंड में खर्च करती है, या ये समझ लो कि एक जूल काम अगर वो एक सेकंड में करता है, तो उसकी शक्ति कितनी आ जाएगी, एक वाट। तो अगर कोई 60 वाट का बल्ब है, मान लो ये लिखा 60 वाट, इसका क्या मतलब होगा, अब एक वाट का क्या मतलब है, एक वाट का मतलब है एक जूल ऊर्जा एक सेकंड में, तो 60 वाट का मतलब क्या हो गया, 60 वाट का मतलब हो गया 60 जूल ऊर्जा किस में, एक सेकंड में, बात समझ आएगी। अगर मैं लिखा है 100 वाट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 100 जूल ऊर्जा किस में, एक सेकंड में, ये लिखा होता है ना, हमने देखा ना ये पावर वोल्टेज रेटिंग का क्या मतलब है, किसी बल्ब पे आप लोगों को ये लिखा देखा होगा 220 वोल्ट और 100 वाट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो विद्युत धारा सप्लाई होगी उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट होनी चाहिए, और इसकी क्षमता, इसकी पावर कितनी है, 100 वाट है, मतलब ये एक सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करेगा, बल्ब के ऊपर लिखा होता है ये, ठीक है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी मान लो 750 वाट, ठीक है। अब जो पानी गर्म करने वाली रोड है, उस पर लिखा मान लो 1000 वाट, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है 750 वाट का मतलब है कि एक सेकंड में 750 जूल ऊर्जा खर्च करती है, 1000 वाट का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा खर्च करती है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया भाई किसका,
पावर रेटिंग, पावर वोल्टेज रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब है जो किसी उपकरण के ऊपर पावर और वोल्टेज कमांड जो लिखा रहता है उसका क्या मतलब है, वो मैंने आप लोगों को ये बताया है। अब बात आती है विद्युत ऊर्जा की। किसकी? विद्युत ऊर्जा की। देखो विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा अगर हम निकालना चाहे, ऊर्जा कार्य करने की दर हमने पढ़ ली, उसको बोलते हैं शक्ति। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। अब यहां हमने शक्ति को निकाला, शक्ति, शक्ति में मैंने अभी बताया था कि किया गया कार्य, और कोई वस्तु कार्य उतना ही करेगी जितनी उसके पास ऊर्जा है। तो अगर मैं शक्ति को कार्य ऊर्जा के रूप में व्यक्त करूं तो पी, पी बराबर है शक्ति क्या होगी, खर्च की गई ऊर्जा, खर्च की गई ऊर्जा बटे लिया गया समय। क्योंकि भाई जितनी ऊर्जा खर्च होएगी उतना ही वो कार्य करेगा। तो या तो कार्य के रूप में शक्ति को व्यक्त करो या ऊर्जा के रूप में व्यक्त करो। शॉर्ट में हम लिखे इसको पी बराबर है ई ऊर्जा बटे टी। और ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा होगी भाई ई बराबर है पी गुना टी। ठीक है, तो ऊर्जा का वैसे तो मात्रक होता है जूल, लेकिन यहां से अगर निकालना जाए तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, ऊर्जा ई का मतलब क्या है एनर्जी, ऊर्जा बराबर है पी का मात्रक होता है वाट, और टी का मतलब होता है सेकंड, वाट सेकंड। लेकिन वाट सेकंड जो होता है हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि जो ये बहुत छोटा मात्रक है तो हम सेकंड की बजाय घंटा यूज कर लेते हैं, वाट घंटा या वाट आवर। वाट आवर का मतलब क्या होता है, ऊर्जा इसका मतलब क्या है, वाट आवर का, वाट आवर का मतलब है अगर एक वाट का कोई वस्तु एक घंटे तक चलती रहे तो वो जितनी ऊर्जा खर्च करेगी उसको बोला जाता है वाट आवर। ठीक है, बात समझ आएगी। अब उसने कहा था कि वाट सेकंड, अगर कोई यहां से, यहां देखो एक वाट आवर का मान एक कब आएगा, जब वाट का मान भी एक है और घंटे का मान भी एक है, तो हमारे पास ऊर्जा आ जाएगी कितनी, एक वाट आवर, एक वाट आवर। और एक कब आए, जब एक वाट था और घंटा भी एक था, मतलब एक वाट आवर ऊर्जा वह ऊर्जा है जब कोई एक वाट क्षमता वाली वस्तु एक घंटे तक जलती है तो जितनी ऊर्जा खर्च करेगी उसको बोल दिया जाएगा वन वाट आवर, एक वाट घंटा। बात समझ में आएगी? अब ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया भाई ऊर्जा का मात्रक, मतलब अगर हम किसी विद्युत उपकरण को ऑन कर दे, मतलब वो चल रहा है तो वो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, वो निर्भर करता है कि वो कितनी शक्ति का है उपकरण और वो कितने समय तक चल रहा है। तो हमने ऊर्जा को वाट घंटे में मापना है, वाट घंटे में। अब एक दूसरा मात्रक होता है ऊर्जा का, जिसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, उसको बोला जाता है किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसमें ये जो है जैसे वाट है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाट की बजाय उपकरण की जो शक्ति है वो किलो वाट में ले लेनी है, इसको बोलते हैं ऐसे शॉर्ट में किलो वाट आवर, किलो वाट घंटा। मतलब जैसे अगर कोई एक एक किलो वाट घंटा कितनी ऊर्जा है, एक किलो वाट घंटा कितनी ऊर्जा हुई, अगर कोई एक किलो वाट क्षमता का या शक्ति का कोई उपकरण एक घंटे तक चलता रहे तो वह जितनी ऊर्जा खर्च करेगा एक घंटे में वो होगी एक किलो वाट घंटा। एक किलो वाट घंटा वह ऊर्जा है जो हमारे मीटर में रीडिंग शो होती है ना, जो हमारा मीटर रीडिंग शो करता है, एक रीडिंग निकली, दो रीडिंग निकली, यूनिट जो निकलती है वो एक वाट घंटा या एक यूनिट एक ही बात है। मतलब जो हमारा मीटर ऊर्जा को दिखाता है, ऊर्जा की खपत को, वो किलो वाट घंटा में दिखाता है, उसमें एक किलो वाट घंटा का मतलब होता है एक यूनिट, इसलिए इसको बोला जाता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। ठीक, अगर हम किलोवाट घंटा और जूल में संबंध निकालना चाहे कि किलोवाट घंटा में कितने जूल है, अब देखो हमें पता है कि एक
जब क्षमता एक वाट होती है, एक वाट कब होती है, जब एक जूल कार्य एक सेकंड में होता है, तो वो होती है एक जूल एक सेकंड में, ठीक है। तो वहां पे एक जूल का संबंध एक सेकंड के साथ है, ठीक। अब यहाँ पे तब वो एक वाट होती है, इसका मतलब इस किलो वाट को हम वाट में बदलेंगे पहले, तो 1000 वाट है, ठीक, 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब क्या हुआ, 1000 वाट का मतलब हुआ 1000 जूल, कितने, एक सेकंड में। 1000 वाट का मतलब हो गया 1000 जूल ऊर्जा एक सेकंड में। अब हमारे पास घंटे हैं, तो इस घंटे के सेकंड में मतलब ये तो हो गया 1000 जूल ऊर्जा एक सेकंड की। अब टोटल सेकंड कितनी है हमारे पास, एक घंटे में कितने सेकंड है, एक घंटे में 60 मिनट है और एक मिनट में 60 सेकंड है, तो इतनी हमारे पास सेकंड है। तो कुल कितनी आ गई, 1000 × 60 × 60, तो ये हो गया भाई 6×36, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 36 लाख जूल, या ये कहें 3.6×10⁶ जूल। ये किस में आए, ये आ गए 1 किलोवाट घंटा में, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने होते हैं, 36 लाख जूल, ये बात याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम, विद्युत ऊर्जा का खर्च कितना होता है। जैसे अगर आप लोगों को कोई कहे कि भाई आपके घर में इतने वाट के कोई वस्तु चल रही है, जैसे कि 350 वाट का फ्रिज आपके घर में चल रहा है, और वो चल रहा है 10 घंटे हर रोज, कितने पर डे, 10 आवर्स पर डे, मतलब 10 घंटे प्रतिदिन, तो कहता है कि 30 दिन में 30 डेज में 30 दिन में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। देखो हम यूनिट के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि व्यापारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। अगर हमारे पास 1 किलोवाट घंटा आ गया, तो समझ लो हमारे पास 1 यूनिट आ जाएगी, और अगर हमें 1 यूनिट का खर्च पता है तो हम सारा खर्च बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो शक्ति दी है, P बराबर है 350 वाट दी है, क्योंकि हमें चाहिएगा किलोवाट घंटा, हमारे पास वाट है तो इसको किलोवाट में बदलो पहले, तो 350/1000, ये होगा भाई 35/100, ये होगा किलोवाट। ये शक्ति होगी किसकी, उस उपकरण की, हमने किलोवाट में निकाला, दी थी वाट में, हमने किलोवाट में निकाली। अब घंटे कितने, 10, टाइम मतलब टी कितना, 10 घंटे, एक दिन का है ये, 30 दिन में कितने, तो 300 घंटे, ये टोटल घंटे आ गए। अब ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा का सूत्र P बराबर है E/T है, ये E के लिए निकालेंगे, E बराबर P×T, तो एनर्जी के लिए P×T, P कितना, 35/100 × समय, कितना, 300। देखो ये किलोवाट में है और ये घंटे में है, तो ये क्या बन गया, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा चाहिए हमें, तो 2 ये कट जाएगा, तो कितना आ गया, 3×5=15, 1 × 3 = 10, 150 किलोवाट घंटा। मतलब अगर कोई 350 वाट की कोई वस्तु चल रही है 10 घंटा प्रतिदिन, तो 30 दिन में 105 किलोवाट घंटा ऊर्जा खर्च कर देगी, और 1 किलोवाट घंटा मतलब है 1 यूनिट, तो 105 यूनिट खर्च हो जाएंगी। अब मान लो 1 यूनिट का खर्च है कितना, 1 यूनिट का खर्च है भाई मान लो 4.5 रुपीज, तो 105 का कितना हो गया, 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 105 × 4.5, ये निकाल लेना आ जाएगा, ठीक है भाई। तो कैलकुलेट करके टोटल खर्च आ जाएगा कि उस उपकरण ने एक मंथ में कितनी ऊर्जा की खपत की है, बात समझ में आई। इस प्रकार हम ऊर्जा का खर्च निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। देखो विद्युत धारा के अलग अलग प्रभाव होते हैं, 3 प्रभाव हैं विद्युत धारा के, कौन कौन से हैं, देखो विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। एक होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, एक होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक होता है विद्युत धारा का
रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो तीन प्रभाव होते हैं विद्युत धारा के, एक ऊष्मीय प्रभाव है, एक चुंबकीय प्रभाव और एक है रासायनिक प्रभाव। तो हमने क्या पढ़ना है, हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसको तापन प्रभाव भी बोला जाता है, तापन प्रभाव, विद्युत धारा का तापन प्रभाव। अब ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जब विद्युत धारा किसी चालक से गुजरती है तो वह चालक गर्म हो जाता है, इसी को बोला जाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आप लोग का भी देखा होगा आपने, जैसे कोई मोटर चलती है तो उसकी बॉडी के ऊपर से याद रखेंगे तो गर्म हो जाएगी, फैन चल रहा है तो फैन गर्म हो जाता है, इसका मतलब है विद्युत के कारण कोई वस्तु गर्म हो रही है, तो मतलब ऊष्मा पैदा हुई किसके कारण, विद्युत के कारण, तो उसको बोलेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब वो प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करता है कि वह वस्तु ऊष्मा पैदा कितनी करेगी, अगर वस्तु बहुत अच्छी चालक है तो उसमें से विद्युत ऊर्जा जो होगी वो ऊष्मा के रूप में बहुत कम निकलेगी, और अगर बहुत ज्यादा प्रतिरोध है तो विद्युत ऊर्जा उसमें से जा नहीं पाएगी, तो सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाएगी, ठीक है भाई। जैसे ये कोई चालक है, इसमें से जाएगी विद्युत ऊर्जा, तो इसका जो प्रतिरोध है, अगर इसका अत्यधिक प्रतिरोध है, इसमें से विद्युत धारा गुजर ही नहीं है, तो सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलनी शुरू हो जाएगी और ये तार हो जाएगा गर्म, तो इसी को बोला जाता है विद्युत धारा का तापन प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। यह बहुत काम की चीज है, मतलब ये हमारे बहुत काम आता है, कहां काम काम आता है, ऊष्मीय प्रभाव विद्युत धारा का। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, अब देखो अगर जो विद्युत ऊर्जा है सारी की सारी ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाए तो उस ऊर्जा का मान कितना आएगा, उस ऊर्जा का मान अभी मैंने निकाला था, ऊर्जा का मान पी, उन ऊर्जा बराबर होता है भाई ई बराबर होता है पी गुना टी, ये होता ना एनर्जी का सूत्र, पी बराबर ई बराबर पी गुना टी, शक्ति गुना समय। मतलब क्या, अब हम ऊर्जा को सारी की सारी ऊर्जा को ये मान रहे हैं कि वो जितनी भी विद्युत ऊर्जा आई थी वो सारी की सारी ऊष्मा के रूप में निकल रही है, तो उसको निकालना है। पी का सूत्र हमें पता है वी इंटू आई, मैंने पहले बताया था कि पी बराबर होता है वी इंटू आई और ये टी, ठीक है। तो ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया, वी आई टी, एक तो सूत्र ये हो गया, ठीक है। ये ई, इस ई को हम हीट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया ये कि ये जो भी विद्युत ऊर्जा आई थी वो सारी ऊर्जा हीट के रूप में निकल रही है, तो जो ऊर्जा आई थी उसके बराबर ही तो हीट निकलेगी, तो जो ऊर्जा थी वो टोटल हीट के रूप में निकल रही है, तो हम उसको हीट निकल लिख सकते हैं अब, तो एच बराबर है वी आई टी, तो ये हो गया एक। तो अब एच बराबर है, हमें पता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर, तो V का मान यहाँ रखो आई आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये सूत्र हो गया किसका, हीट का, वह ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में निकल रही है। इस प्रकार आप हीट का और भी सूत्र निकाल सकते हो, यहाँ पे जैसे ये आई है तो यहाँ से आई का मान लिख दो, जैसे I बराबर है V बटे R, तो I का मान यहाँ रखोगे तो आ जाएगा V स्क्वायर बटे R इनटू T, ठीक है। ये सारे सूत्र किसके आए, ये आए ऊष्मीय ऊर्जा के, कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा के, जो किसी उपकरण ने पैदा की है। जैसे अगर आपने विद्युत ऊर्जा को भेज दिया किस में, इलेक्ट्रिक हीटर में, तो मान लो हमने विद्युत ऊर्जा को किसी इलेक्ट्रिक हीटर में ट्रांसफर कर दिया और उसका प्रतिरोध इतना अधिक है उस तार का कि उसमें से करंट गुजर ही नहीं पा रहा, तो उसकी सारी की सारी विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, वो ऊष्मा में बदल जाएगी। आपने देखा भी होगा हीटर का जो तार होता है वो रेड हॉट हो जाता है, बहुत लाल हो जाएगा गर्म होके, क्यों, क्योंकि उसमें आने वाली विद्युत ऊर्जा वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, तो वो जितनी ऊर्जा आई थी वो सारी हीट में कन्वर्ट हो गई है, तो वो जो ऊर्जा हमने निकाली थी हम उसको हीट मान सकते हैं, तो उसका सूत्र ये आ गया एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसको जूल का तापन नियम भी बोला जाता है, जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम या तापन प्रभाव कह सकते हो, एक बात है। अब विद्युत धारा के तापन प्रभाव के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, मतलब यह कहां कहां प्रयोग हो सकता है। देखो
ये तीन जगह प्रयोग हो सकता है। अभी देख, एक तो अभी उष्मीय उपकरण मतलब क्या, ऐसे उपकरण जहां पे किसी वस्तु को गर्म किया जाएगा, जैसे विद्युत हीटर है, हीटर में विद्युत के उष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, मतलब वहां पे जो तार होता है उसका प्रतिरोध इतना अधिक होगा कि विद्युत धारा उसमें से पास नहीं हो पाएगी, जा नहीं पाएगी, तो सारी की सारी विद्युत ऊर्जा इसमें उष्मा में बदल जाएगी। इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिक रोड होती है, पानी गर्म करने वाली रोड होती है, या इसके अलावा बहुत जो हमारा वाटर हीटर भी होता है एक, या गीजर समझ लो जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी इसके उष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इन सभी में जो पानी गर्म करने वाली वस्तुएं हैं, इन सभी में उसमें लगने वाले जो अंदर वायर होती है उसका प्रतिरोध इतना अधिक होता है कि वो गर्म होकर उसकी जो ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में निकलना शुरू कर देती है। तो उष्मीय उपकरण जैसे भाई लिख लेना, इसमें विद्युत हीटर है, या पानी को गर्म करने वाली रोड है, या फिर गीजर है, उन सब में, ठीक है। दूसरा भी इसका प्रयोग होता है विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में कैसे, जो विद्युत बल्ब के अंदर जो तार चमकता है, जो ग्लो करता है, वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक मिश्र धातु होती है और उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और उसका गलनांक भी उच्च होता है, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक होता है, मतलब इतने ज्यादा तापमान तक अगर वो गर्म होगी तो तब जाके वो पिघल के टूटेगी, उससे पहले नहीं टूटती, उसका गलनांक इतना उच्च होता है। तो जब इसका गलनांक इतना उच्च है तो जब इसका प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा होता है, जब इसमें से विद्युत धारा गुजरती है तो इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण ये गर्म होना शुरू कर देगी और ये इतना गर्म हो जाएगी कि रेड हॉट हो जाएगी, मतलब लाल हो जाएगी बिल्कुल, और चमकना शुरू कर देती है। जो बल्ब लाइट देता है हमें, जो प्रकाश पैदा करता है, वो इसी प्रभाव के कारण, उष्मीय प्रभाव के कारण देता है, क्योंकि टंगस्टन का जो उसमें फिलामेंट होता है वो गर्म होके चमकना शुरू कर देगा, लेकिन वो टूटता नहीं है क्योंकि उसका जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ऑक्सीजन गैस नहीं भरते, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण से वो टूट सकता है, तो विद्युत बल्ब में उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है भाई, इसका प्रयोग फ्यूज में किया जाएगा, फ्यूज में, घरों में फ्यूज लगाते हैं हम। फ्यूज एक ऐसी युक्ति है या ऐसा उपकरण समझ लो कि वो एक ऐसे तार से बना जाता है कि अगर अधिक विद्युत धारा आ जाए, मतलब उसकी एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा अगर करंट इसमें आया तो ये पिघल के टूट जाएगा। जैसे मैंने कल भी बताया, जैसे तार है, इससे यहाँ तक है, इससे आगे हमारे घरों की सारे उपकरण काम कर रहे हैं इससे आगे, और ये क्या है, यहाँ फ्यूज है, तो फ्यूज जब इसमें विद्युत धारा आती है तो एक लिमिट तक विद्युत धारा को ये बर्दाश्त कर पाता है, तब तक तो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर बाय चांस विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब लघु पतन हो जाए, लघु पतन का मतलब होता है जैसे जो विद्युन्मय तार, जो दो तार होते हैं विद्युन्मय तार और उदासीन तार, किसी वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाए तो उसको बोलते हैं लघु पतन, और उस समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर ऐसा हो गया तो ये जो फ्यूज होगा ये पहले गर्म होगा और पिघल के फिर टूट जाएगा, मतलब नॉर्मल अगर करंट आता रहेगा तब नहीं टूटेगा, अगर उसकी क्षमता से अधिक करंट आ गया तो उस समय पिघल कर टूट जाएगा, और टूटने से जो करंट की सप्लाई है, विद्युत धारा की सप्लाई है, वो आगे नहीं पहुंच पाएगी, वो यहीं से रुक जाएगी, तो हमारे घरों के जो जितने उपकरण होंगे ना, विद्युत उपकरण, वे सारे बच जाएंगे, ठीक है। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं, और फ्यूज किस पे काम करता है, फ्यूज विद्युत धारा के तापमान प्रभाव पे ही काम करता है, ठीक है भाई, बात याद रखना। तो ये था भाई हमारा चैप्टर, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें जितने टॉपिक थे मैंने लगभग करवा दिए हैं, अब इसमें बाकी हैं न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।